हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस होली के शुभ अवसर पर ठंडे की विधि बताने जा रही हूँ। मैं ठंडे ही बनाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये इसकी विधि बताने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो गाइस, अब मैं आपको विधि इसकी सामग्री बताती हूँ। ये मैंने मोटी सौंफ ली है 50 ग्राम, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है कि इसमें कंकड़ वंकड़ ना हो, इसलिए मैंने इसे अच्छे से चुन लिया है। और ये पोस्ता दाना लिया है मैंने, खसखस लिया है 25 ग्राम, और ये 6 काजू और 6 बादाम लिए हैं। ये मैंने 25 ग्राम मगज ली है, ये खरबूज का बीज है, ये मैंने 25 ग्राम लिया है। 25 ग्राम चिरौंजी ली है, 15 काली मिर्च दाना लिया है और 5 छोटी इलायची ली है, और ये 1 गुलाब का फूल जिसकी मैंने पत्तियां ली है। ये उसके लिए मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है, और ये थोड़ा सा केसर मैंने लेके इसे पानी में भिगो दिया है। ये मैंने 5 चम्मच चीनी ली है। अब हम इसे, ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इस 1 गिलास पानी में हमें ये सब भिगो देना है। 3-4 घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। हम ये सारी चीजें लेके हम इसी पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ये याद रखिएगा कि 3-4 घंटा हमें इसे भिगोना है। ये याद रखिएगा कि इसे हमें 3-4 घंटा भिगोना है। तो इसमें हम ये जो सारी सामग्री है ये इकट्ठी लेके हम डाल देंगे। इसमें मैंने मोटी सौंफ, मगज, सारी चीजें जितनी मैंने सामग्री बताई है, हर चीज मैंने इसमें 1 गिलास पानी में डाल के इसे हम 4 घंटे के लिए, लगभग 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था पानी में, और यही जो चीनी है ये लेके हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए, इसे मैंने जार में डाल दिया है और ये पूरा लेके हमें अच्छे से इसे पीस लेना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका फाइन पेस्ट हो जाए। देखिए गाइस, इस तरह से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पीस लिया है, और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लिया है, और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। डाल के इसको चला लेंगे, इसे इसमें मिक्स कर लेंगे, और हम इसे लेके अब छान लेना है हमें इसे। मैंने चलनी ले ली है और इसे हम इसी में डाल के हम इसे छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इसे छान लिया है अच्छे से, और अब हम इसमें ये जो दूध है ये लेके डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और ये जो केसर है जो मैंने ये भिगो के रखा है इसे भी हम लेके डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ठंडे बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक सर्विंग ग्लास में सर्व करूंगी। गाइस, इसे मैंने एक ग्लास में सर्व कर लिया है, और इसे ऊपर से थोड़े थोड़े हम केसर डाल देंगे, और साथ ही में ये गुलाब की जो पत्तियां हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं, और ये मेरी ठंडे ही बनके तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी इस होली के शुभ अवसर पर ये ठंडे ही जरूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगी, बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर। Thank you.